वेलकम टू इंडिया खाएगा हीरो वेज विद शेफ हरपाल सिंह सोखी। ओए, जब हम बताएंगे आप ध्यान से सुनेंगे। अरे मेरे अंदर बिल्कुल हीरो जाग गया, क्योंकि मैं यहाँ रिलायंस फ्रेश में खड़ा हूँ जहाँ पे हीरो वेज आज है बैगन। भाई रिलायंस फ्रेश में एक चीज होती है, हर दिन एक सब्जी को हीरो वेज बनाया जाता है और उस दिन शहर में सबसे सस्ता सबसे बेहतरीन क्वालिटी यहाँ मिलता है। बताऊँ ले जाऊँगा घर पे और बनाऊँगा बढ़िया रेसिपी। बताऊँ नहीं समझे, हाँ पंजाबी में इसे बताऊँ कहते हैं। मैं अपने बैग में भर के लिए चलता हूँ। मैंने अपने बैग में बताऊँ भर लिए और आपको बताऊँगा एक बढ़िया रेसिपी अपने किचन में। वेलकम टू इंडिया खाएगा हीरो वेज विद शेफ हरपाल सिंह सोखी। तो लो जी, आज हम ले आए हैं अपने हिस्से का मतलब बैगन। आज मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ इसके साथ कि आप जरूर खाएं। मैं इटालियन क्यूजीन से इंस्पायर होके अपने इंडियन क्यूजीन में एक ट्विस्ट दे रहा हूँ। और ट्विस्ट क्या है? बेक्ड रोटी लजानिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ कि कैसे घर पे आपने व्हाइट सॉस बनाना। सबसे पहले कढ़ाई रख दी मैंने, इसमें हम डालेंगे बटर। बटर नहीं जले इसलिए हम थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं इसमें। जैसे ही बटर और तेल थोड़ा सा गल जाए तो इसमें डालेंगे आटा। जी हाँ, लोग घर पे आटा जरूर रखते हैं, इसलिए मैं व्हाइट सॉस होल व्हीट फ्लार से बना रहा हूँ। 3-4 मिनट भूनने के बाद धीमी आंच पे आपने इसमें ठंडा दूध डाल लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों चीज़ें गर्म नहीं होनी चाहिए। ये देखिए बढ़िया गाढ़ा हो गया। मैं इसमें चीज़ डाल लेता हूँ। व्हाइट सॉस बन गया, अब चीज़ डाल लिया तो चीज़ सॉस, वाह फ्लेवर बढ़िया। ये जो सॉस है इसे मैं निकाल लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, फटाफट फिलिंग बनाते हैं। और फिलिंग जो है उसके लिए तेल, और तेल में लहसुन, थोड़ा ज़्यादा सा लहसुन डालेंगे। अब ब्रिंजल ये डाल लेते हैं इसमें। बैगन के साथ अनियंस भी डाल लेते हैं और साथ साथ कैप्सिकम। अब इसमें मैं ये टमाटर भी डाल लेता हूँ स्लाइस्ड। साथ ही साथ मुझे कुछ मशरूम्स भी मिले, आप ये भी डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार डाल लें, ब्लैक पेपर क्रस्ट, चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स। थोड़ा सा टमाटो केचप में डाल लेता हूं। ये लीजिए, अब इन सारी चीजों को पकने देते हैं, थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। तब तक तैयारी करते हैं बेक डिश बनाने की। और मैं थोड़ा सा ब्रश कर लेता हूँ ऑयल से। जो भी काम करता हूँ हिंदुस्तानियों के लिए करता हूँ, इसलिए ये बची हुई चपाती जो है, दो चपाती इसमें डाल लेते हैं। थोड़ा सा चीज़ सॉस। अब ये बची हुई चपातियों से देखिए क्या कर सकते हैं। ये पूरा डिश कवर कर दिया हमने, तीन चपाती लेके। ये रहा सॉस। आहा, इसमें अब बढ़िया वेजिटेबल्स। दो लेयर ही बनाता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा सॉस वापस, चीज भरपूर, चिली फ्लेक्स डाल लेता हूँ, मिक्स हर्ब्स, ब्लैक पेपर। अब वापस चपाती, और एक चपाती यहाँ, एक और यहाँ, चीज, आहा, थोड़े और हर्ब्स, थोड़ा पेपर, थोड़ा बटर, वाह। बेकिंग डिश
ओवन में मैंने डाल दिए, 12 से 15 मिनट बेक होने देंगे, बढ़िया सेट हो जाएगी, उसके बाद मजे से खाएंगे। ये देखिए, ओह ये ओह, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़े से मिक्स हर्ब्स, थोड़ी सी चीज, बेसिल के पत्ते, बैगन से हमने बिल्कुल हीरो वाली रेसिपी बना दी, क्योंकि हीरो वेज जब बैगन बन जाता है तो हीरो वाली रेसिपी होनी चाहिए।